शून्य में क्या मिलेगा। प्यारे लोगों, संत मत मोक्ष प्राप्त करने के लिए और संसार में सुख से रहने के लिए शिक्षा देता है। ईश्वर की भक्ति से मोक्ष या मुक्ति होती है। भक्ति में परा और परा दोनों प्रकार की भक्ति होनी चाहिए। अपरा भक्ति में स्थूल जप और स्थूल ध्यान है, परा भक्ति में बिंदु ध्यान या ज्योतिर्ध्यान और नाद ध्यान है। बिंदु ध्यान में मन से कुछ बनाना नहीं पड़ता है, केवल देखने के ढंग से देखा जाता है। देखने का ढंग गुरु बताते हैं, ईड़ा और पिंगला के मध्य में अर्थात सुषमना में देखो। देखने का तात्पर्य यह है वहां दृष्टि ठहरा दो, वहां ज्योतिर्बिंदु का उदय होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कविं पुराण मनुषसितार अरुणियां समनुस्मरेद्य सर्वस्य दातारमचिन्तरूपा मादित्य वरण तमस परस्तात। गीता अध्याय 8 श्लोक 9। और ज्योतिर्बिंदु उपनिषद में, तेजो बिंदु उपनिषद में है कि तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात हृदय संस्थितम, अर्थात हृदय स्थित विश्वात तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। ज्योति ध्यान में ज्योतिर्बिंदु से और भी विशेष विशेष ज्योति होती जाती है, जिसका पूरा वर्णन कोई नहीं कर सकता। ज्योति के साथ नाद भी प्रकट होता है। ज्योति के साथ जो नाद होता है वह सूक्ष्म नाद है, और अंधकार में जो नाद होता है वह स्थूल है। संतों ने स्थूल नाद ध्यान करने को नहीं कहा। यदि कोई स्थूल नाद को यानी अंधकार के नाद को सुनता है तो बहुत दिनों तक अभ्यास करते करते संभव है कि कभी उस केंद्रीय सूक्ष्म नाद को पकड़ सके। इस विषय को मैंने सत्संग योग भाग 4 में पारा 60 में लिख भी दिया, लेकिन उपनिषद के अनुकूल संभवी अथवा वैष्णवी मुद्रा का अभ्यास कर शब्द साधन करना चाहिए। वैष्णवी मुद्रा कड़ा ध्यान है। दृष्टि साधन 3 तरह से किया जाता है, अमा दृष्टि से, प्रतिपदा दृष्टि से और पूर्णिमा दृष्टि से। आंख बंद कर देखना अमा दृष्टि, आधी आंख खोल कर देखना प्रतिपदा है और पूरी आंख खोल कर देखना पूर्णिमा है। अमा दृष्टि में कोई तकलीफ नहीं होती, संतों ने अमा दृष्टि से ही अभ्यास करने को कहा। कोई कोई कहते हैं कि अमा दृष्टि से अभ्यास करने से औघी आती है। मैंने पूर्णिमा दृष्टि का तो अभ्यास नहीं किया है, लेकिन प्रतिपदा दृष्टि का अभ्यास किया, इसमें भी औघी आती है। हम लोग आंख खोले रहते हैं लेकिन औघी आती है और आंखें बंद हो जाती हैं। चाहिए कि होशियारी से रहें और औघी से बचकर ध्यान करें। बिना ज्योति ध्यान के नाद ध्यान करने की गुरु आज्ञा गुरु महाराज ने नहीं दी। गुरु नानक देव जी भी यही कहते कि सुखमन के घर राग सुनी सुन मंडल लिवलाय,
लोग कहेंगे कि शून्य में क्या मिलेगा, शून्य में ही मिलेगा, बिल्कुल खाली हो जा हो, बिल्कुल खाली ही रह जाओगे, एक पंडित ने कहा था। लेकिन थोड़ा विचारो, खाली जगह में वह रह जाता है जो कभी नहीं टलता, जो जगह भरी रहती है वह आवरणित है। जैसे एक घर में माल भर दीजिए तो खाली सुन नहीं देखा जाएगा, लेकिन सुन कहीं जाता नहीं, घर से सब चीजों को हटा दो तो सुन बचेगा। उसी तरह यह विश्व है और इसमें विश्व के तत्व भरे हैं, इन तत्वों को निकाल दो तो वह बचेगा जो कभी नहीं टलेगा। मनोभाव छोड़कर दृष्टि रखने की कोशिश करो, तब सूझेगा। जो कभी तुम्हारे दिमाग में नहीं आया और सदा वही रहता ही है, वह है ज्योतिर्बिंदु। इसके बाद है सहस्त्र दल कमल रूप जगत। लेकिन यहां भी ऐसा खाली नहीं हुआ जहां केवल ईश्वर ही रहे, इसलिए इससे आगे बढ़ो, नाद ध्यान करो, नाद से खींच कर वहां पहुंचो जहां इसका केंद्र है। अशब्द से शब्द होता है, जब सब चुप रहते हैं और फिर बोलते हैं तो शब्द होता है, इसी तरह निःशब्द से शब्द होता है। परमात्मा ध्रुव और अकंप है, अकंपता और ध्रुवता के कारण वह निःशब्द है, कंप और शब्द के बिना संसार नहीं होता, इसलिए आदि में कंप होता है। नादानुसंधान करते करते उस नाद का पता लगता है जो सबसे प्रथम हुआ, वह शब्द भी परमात्मा में जाकर लय हो जाता है, उस शब्द की धारा बिंदु तक लगी है, वही है मकर तार। मकरा अपने तार पर ऊपर से नीचे आता है और उसी को पकड़ कर ऊपर जाता है। संतों ने अनहद ध्वनि को मकर तार कहा, तिल पर माने लगे कपाटा, मकर तार जहां जीव के बाटा। संतों ने कहा है कि हम लोगों को उसका बहुत विश्वास है, ईश्वर के माइक रूप को देखते हुए उसके निर्माइक रूप को देखेंगे, यही ध्यान विधि है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। We'll be right back.